सही नहीं है ना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सारे हेलो बोल दो। हेलो। ये है हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स। ये है भाभी जी, जैसे ये आप इनको आपने पहले नहीं देखा है, इन्हें तो आप जानती हैं, मम्मी जी, शालू दीदी, और ये हूँ मैं, और ये हमारा प्यारा डुगू। तो आज का हमारा जो ब्लॉग होगा उसमें शिवम जी नहीं होंगे, हम ही होंगे, और हम एक फनी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारा फन, आप भी कुछ बोलो यार, मैं ही बोल रही हूँ, मतलब बहुत सारी फनी चैलेंजेस हम इस वीडियो में आपको के साथ लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैलेंज होगा वो होगा सैया चैलेंज, जैसे कि आपको पता ही होगा कि सैया वाला वो। तो पहले हम सभी बैठ जाते हैं, ठीक है, सही से बैठ जाते हैं। पहले डुगू से करते हैं। डुगू को क्या पता क्या गाना है, आपको पता है क्या कौन सा गाना गाना है? चलो आप हमें सुनो तो फिर। अच्छा मैं पहले करती हूँ, ठीक है? ज्यादा लंबा नहीं खींचेगी, नहीं तो वो, और जो जीतेगा उसको मिलेगा ये डुगू की तरफ से। ओके, ये प्राइस है, इसको यहाँ सामने रखते हैं। ओके, मुझे खुद इतना गाना नहीं आता, लेकिन ऐसे लाइन हाँ बोल सैया। मुझे इसलिए क्योंकि अच्छा गा रहा, मुझे इतना भी नहीं आया गाना, रुको लेट मी ट्राई। मैंने चलो यार आप करो भाभी। अच्छा यही से होगा, आप गाओ, मैं देख। कंट्रोल सैया।
नेक्स्ट चैलेंज। सो गाइस ये बहुत ही फन होने वाला है, इसके लिए भाभी जरा पानी की बोतल ली हुई। और जो नेक्स्ट चैलेंज हमारा होगा वो इससे भी ज्यादा फनी होने वाला है। सो पहले कैमरे को थोड़ा नजदीक लाना पड़ेगा इसके लिए। हम सब उसके बाद बताते हैं ना। आ रहे हैं सब? हाँ परफेक्ट। अब इसमें भाभी के फोन से जूम का लेंगे ना और इस फोन से दूर करेगा, ठीक है? और आपके फोन से फिल्टर शो किए जाएंगे। मैं पीछे से ठीक है। सो गाइस हमारा जो अगला चैलेंज होगा उसमें होगा स्नैपचैट के फिल्टर्स हम अप्लाई करेंगे और मतलब जो उसमें ज्यादा हंसेगा, मतलब हंसेगा उस जिसके मुंह से पानी निकल जाएगा, जल्दी निकलेगा ना, बस वो आउट है। उसके लिए मेरा फोन चाहिए वहां पर है। अब दूसरे चैलेंज के लिए भाभी और दीदी रेडी है। जीता ना अब उनमें एक चैलेंज उनमें होगा। सो जो जीते हुए दोनों कंटेस्टेंट्स थे अब उनके बीच में ये राउंड होगा। चलो देखते हैं और भाभी की बारी है। लेट्स सी। अगले चैलेंज के लिए गाइस आप लोग रेडी है? क्योंकि हम अभी रेडी नहीं है तो हम पहले अपना सेटअप बिठा लेते हैं, उसके बाद आगे आपसे मिलते हैं। सो गाइस हम थर्ड और लास्ट चैलेंज के लिए रेडी हो चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये हमारा बॉटल वाला होगा। और इसमें हम ट्रूथ नहीं करेंगे, सिर्फ डेयर डेयर करेंगे। तो जिसके पास भी आएगी उसको हम एक डेयर देंगे। सो बिना किसी देरी के गेम को स्टार्ट करते हैं। पहले दीदी से स्टार्ट होगा क्या? अच्छा हाँ ओके कैसे करेगा थोड़ी बहुत मतलब आपकी कोई वेरी मतलब नाम भी हमें बता देना। ये तो मंडे वाले में भी इतना बोलते है ना, इनकी वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी मैंने देखी है।
चलो उस पे भी आगे ट्राई करेंगे, पहले आप ये वाला डेयर कंप्लीट करिए। अच्छा मैं रश्मि की करती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज मैं उसी के ही हूँ स्कूल में। अच्छा वो मतलब जो भी काम करती हूँ मेरे को सिखाती रहती है ना, अगर मैं कुछ गलत करती हूँ ना सीधा ही आके एक ही यहाँ कितने थे काम थी जो कितनी बार मैं सिखाऊँ उस काम में जो करने लो है पता नहीं लग जाती जो मतलब अपने अपना अपने हाथ थे कोई देनी तो गल भी इतनी बार दसी के बाद भी मतलब सही काम करना तसल्ली ने काम करना हो तसल्ली ने निकालो भला नुस्ख कोई निकालो भला इस काम में नुस्ख कोई एड़ा काम करो। और भाभी की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें बहुत वायरल हुई थी उसने जोर से चाटा मारा और भाभी का निशान तक खाया आपने खाया वो उनकी फ्रेंड ने उनको वो बोल रही थी इस साइड घूमना है और मैं फिर उस साइड घूमी और उसने दे जोर का और भाभी भी लाइक ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ। पहले मम्मी जी की बारी है करो करो मम्मी जो तू हमेशा करती है कहीं भी जाएगी अपने बालों का हमेशा मतलब यार जो ध्यान से वीडियो देख रहे हैं ना मिनट में नोटिस करोगे ज्यादा से 50 बार तो ऐसे नहीं अगर अपनी स्नैप वीडियो कुछ भी बालों का बालों तो रहेगा ही रहेगा और तो छोड़ो अगर ये डांस भी कर रही होती है ना तभी तभी इसका हाथ ऐसे रहता है नहीं अगर किसी ने ध्यान से ब्लॉग देखा ना मैं बहुत बार कर चुकी हूँ ऐसे फोन नहीं किया आज कुछ है नहीं खुलने बाल चुकी मैं वो भी है ऐसे ऐसे कब से कर ही रही हूँ ऐसे टशन मार के जब भी मैं कहीं जाऊंगी। अच्छा तू कुछ पंजाबी में हाँ कुछ भी yes. पंजाब रह के आया आफ्टर ऑल यार कितना था पंजाब बोल। हाँ तो मेरे ना दोस्त हैगे पंजाब विच उन्होंने मेनू पंजाबी सिखाई है मैनू पंजाबी नहीं आंदी बोलना बट उन्होंने मैनू थोड़ी बहुत सिखा ली है तो मैं बोलना चाहूंगी कि जदों दी मैं इत्थे आई है हिमाचल बाई गॉड मैं इन्ना बोर हो गया मैंने महीना हुआ है अदेथी रहने में और मेरा दिमाग ना खराब हो गया है मेरे को इतनी पंजाबी नहीं आती स्टिल में ट्राई करने नहीं वो कहीं और कनाडा चली जाऊंगी ये सारी बात अच्छा तो ये एक रियल इंसिडेंट है जब मैं मतलब नई नई पंजाब से आई तो मतलब आई नहीं जा रही थी हाँ सॉरी छोड़ने कट करो तो ये रियल इंसिडेंट है जब तब मुझे पंजाबी नहीं आती थी अभी तो मेनू आ जाती है मतलब मेनू मेरे फ्रेंड्स ने सिखा दी है तो उस टाइम विच मेनू पंजाबी नहीं आती तो मेरे भाभी और मेरी मम्मा मुझे छोड़ने जा रहे थे तो मैंने उन्हें ना तब टशन मार बोला भाभी हूं नहीं मैं घर आंदी हूं मैं पंजाब चली मैं उत्थे ही सेटल हो जाऊंगी उत्थे ही पढ़ेंगी मैं वापिस आना ही नहीं तुसी जाओ मतलब उस टाइम और वहीं से कह रहा है वहां से शादी वहीं से देखूंगी कोई घर आना ही नहीं शादी में और लोग हैं चार लोग होंगे अगर क्लोज की या फिर मैं शादी करके बोल दूंगी कि देखो शादी हो रही है इतनी तारीख को आ जाना ये सारा बस रियल इंसिडेंट उस टाइम का। तो अभी किसकी बात मेरी ना अब मम्मी चेकिंग आएगी तो मम्मी चाची चलो मम्मी चलो मम्मी अब मम्मी का करेक्टर है कि बहुत सॉफ्ट है तो हम इन्हें थोड़ा डिफरेंट देते हैं लाइक हाँ हाँ खड़ूस सास का रोल करो ये दो बहुएं बैठी हैं ओहो तो दुपट्टा बट्टा लेना पड़ेगा सर पे ले चलो मम्मी शुरू नहीं मेरी मम्मी जी शुरू कीजिए कभी उड़ा नहीं सिर पे दुपट्टा चलो मम्मी आज तो सब दोनों का जो बैठी हुई दुपट्टे घूमता कड्डी कड्डी के है? मेरे सामने का जो बैठे हैं तो पट्टे से और डायरेक्ट बन लेगी एंड जब कोई आ बाहर तो नंगे सिरे घूम रही हूं मैं नहीं मम्मी जी नंगे सिर आजकल का फैशन नहीं वो नहीं पापी ये तो मॉडर्न जमाना नहीं है यार हां तो मॉडर्न जमाने में क्या होता है नहीं यहां पूरा यहां चल रही है यहां तो मोयो के बेके बेटा डक्की लेने हुए सिर पर दुपट्टे शर्म आ गई भाभियां हमारी ओह माय गॉड इट्स नाइस
तो फिर एक और राउंड करें, मतलब एक और दे दें, आप क्या बोलते हो? हाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट है ना ये थर्ड। चलो कोई नहीं, अच्छा रैंडमली दे देते हैं। हाँ चलो चलो ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट करते हैं। ओके गो भाभी, मुझे कोई गोरिल्ला मत बनाना प्लीज। नहीं बंदर मत बनाना। चलो कोई किस रिएक्टिव एक्टिंग से, नहीं नहीं वो एक्टिंग नहीं, अब थोड़ा डिफरेंट दो है ना। जब से तू यहाँ आई ससुराल में, सबसे क्लोज मतलब किसके क्लोज है ज्यादा? मतलब जो तेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जो समझता है घर में, अपने घर में, अपनी फैमिली, मतलब जो अपने घर में सबसे ज्यादा क्लोज किसके हैं? छोड़ दो एंड करते हुए हम इस बात को यही खत्म करते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो हम इसको थोड़ा हमने बहुत फन किया, बट हमने बहुत मजे किए, सबके राज खुले आज कुछ। अभी अगला, अगर आपको ये ब्लॉग हमारा पसंद आया, आप हमें और भी हमें बता सकते हैं कोई और चीज, हम इसी के बेसिस पे। ये गाइस हमने सच में रैंडम बनाया, ये हमारे दिमाग में नहीं था, अभी भाभी आए, अभी हम आए, लिटरली हमने ऑन द स्पॉट होता है ना कुछ। अगर आपको हमारे इस टाइप के और भी ब्लॉग्स देखने, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम और भी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे। आप भी बोलो यार, मैं ही बोलने जा रही हूँ तब से, मुझे नहीं आता। कैसा लगा आपको? हमने बहुत एंजॉय किया, मतलब ये नहीं लग रहा था कि ब्लॉग बन रहा है, हम तो मतलब अपनी वैसे जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय बहुत। सो गाइस आज के इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, होप आप सभी ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा जैसा हमने किया। हाँ, जैसे हमने तो किया, ऐसे ही बने रहिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे गाइस प्लीज। सो बाय।